नमस्कार, मैं सोनिया चौहान बलीठा पे आज खड़ी हूँ। जी हाँ, बता दूं सूरत की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 के सर्विस रोड, बलीठा सर्विस रोड पे खड़ी हूँ, जहाँ पे आप मेरे पीछे एक टैंकर देख सकते हैं, MH04KU3636 टैंकर है, जो बताया जा रहा है कि आरती कंपनी में से, GIDC फेज 3 आरती इंडस्ट्रीज में से वो निकला है केमिकल भर के, नाइट्रोसल्फाइड केमिकल इसमें बताया जा रहा है। ड्राइवर का एक इंटरव्यू है हमारे सामने, उसने ये कहा है कि कंपनी में से जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकला था वो खुद कंपनी के बंदों ने भरा था, उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, वो नट बोल्ट वहां पर ऊपर लूज होने की वजह से ये टैंकर यहाँ से गुजर रहा था और उसमें का जो केमिकल है वेस्ट केमिकल वो लीक हुआ है, और लीक होते ही यहाँ से एक बस पास कर रही थी, सी रॉक कंपनी की यहाँ पर है, जो कंपनी के बंदे उसमें बैठे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और खिड़की के अंदर वो जाकर उनके ऊपर उछला है, काफी सारा एसिडिक है वो जो उनके ऊपर उड़ा है। वेस्ट रॉक कंपनी के जो यहाँ पर लेबर है जो वहाँ काम करते हैं कंपनी में, वो इस बस में ट्रैवल कर रहे थे और उनके ऊपर ये प्रोडक्ट जो है केमिकल वो यहाँ पर उड़ के उनके ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से उनकी शर्ट जल गई है और उनको काफी सारे ब्लिस्टर्स आए हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस को भी फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ पर उनको तुरंत यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल हरिया है जहाँ उनको ले जाया गया है, यहाँ पर इलाज के लिए इमीडिएट फर्स्ट एड देने के लिए उन्हें वहां पहुंचाया गया है। ये माल कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ये वापी आरती से झगड़े आरती। क्या माल है? 98 सल्फर एसिड। कैसे, क्या घटना हुआ? ये कंपनी में नट बोल्ट टाइट करते हैं लोग, हमको चलने की अथॉरिटी नहीं है, वो खुद टाइट करते, उसके बाद में हम गाड़ी बाहर निकालते हैं लेके जाते। नट बोल्ट टाइट कौन करता है वहाँ पे? वो कंपनी का आदमी रहता। गलती कंपनी वाले की है? कंपनी वाले खाली वही भरते हैं, वही नाइट टाइट करते हैं, हमको ऊपर चढ़ने का आर्डर नहीं। कितने लोगों लगा है? 2-3 लोग, उनके आंख पे कुछ छिटे उड़े, कपड़े का थोड़ा कपड़े भी पड़ गए। ये आंख में गिरा होगा तो? हाँ, ये अगर आंख में गिरा तो क्या होता? आंख में गिरा कुछ नहीं, पानी मारते तो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अभी हम लोग भी देखो, हम भी ऐसे ही हाथ खाली करते बढ़ते, ऐसा कुछ नहीं, इतना ये नहीं, इतना ये इतना खतरनाक नहीं। लीकेज कहाँ से हुआ? वो नट बोल्ट ऊपर के खुले। क्या हुआ? ये टैंकर में से एसिड लीकेज हुआ पीछे की साइड पे, और वो एसिड लीकेज की वजह से वेस्ट रॉक कंपनी की बस जो उसके बाजू में चल रही थी उसके ऊपर एसिड गिरा, और वो बस में बैठे कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी के ऊपर एसिड गिरा, उनको कुछ छोटी मोटी इजा हुई है, ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा फटा है और जला है उन लोगों को, और अभी कंपनी की उन लोगों मतलब यहाँ पे 108 को बुलाया गया, 108 नहीं पहुंचा तो कंपनी का एम्बुलेंस अभी आया नहीं है, एम्बुलेंस आके गया है, एम्बुलेंस में उनको लेकर के हरि हॉस्पिटल में, कंपनी के एम्बुलेंस में हरि हॉस्पिटल लेके गए। सर ये गाड़ी केमिकल हम बस के अंदर बैठे हुए थे। कौन सी बस की? ये वाली सामने वाली। कौन सी कंपनी की है? ये वेस्ट रॉक कंपनी की। वेस्ट रॉक कंपनी की बस थी। ओके, कहाँ पे जा रहे थे आप लोग? सर हम ड्यूटी जा रहे हैं अभी। हाँ, और हम बस के अंदर, हमारा अदर शीशा भी लगा हुआ था। हाँ, वो उछल गया, उछल के देखो इतना आदमियों को नुकसान कर दिया पूरा। हाँ, एकदम छीटा लगता है, सीधा पूरा जलन मचने लग गया, पूरा जलने गया, पूरा सर पे छीटा आ गया। खड़े रहो, खड़े रहो, इधर हाथ पे देखिए, पूरा लग गया। ए संतोष, इधर आओ, हाथ दिखाओ, ये देखो पूरा जल गया, जलन के लग रहा है, चिल्ला रहा है, आगे आके भाग रहा है। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर, ड्राइवर से पूछ रहा तो बोलता मैं, ड्राइवर ने, ड्राइवर उधर गया, मालूम नहीं साइड में करके खड़ा कर देने का शेप बोल रहा है, पानी छीटा उड़ रहा है, जा रहा है गेट को आगे भगाते लेके जा रहा है गाड़ी, नहीं भगाया नहीं मैंने, खड़ा कर दिया, हां खड़ा किया तूने, वो तो ट्रक को लेके आ गया। कितने लोगों का लगा है? 5-6 आदमी का लगा है। आपका नाम क्या है? जे एन सिंह। वो कहाँ से भर के लाया था सुनने दो तो? आरती में से।
अच्छा मेरे में तो कैसा नुकसान होगा।